विजय एकादशी। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड़ती हैं। इन्हीं में से एक है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी, जिसका संबंध श्री राम से बताया जाता है। यूं तो एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, लेकिन इस एक एकादशी पर श्रीहरि के साथ उनके ही स्वरूप भगवान श्री राम की पूजा भी की जाती है। विजया एकादशी का पर्व दिनांक 6 मार्च 2024 शुभ दिन बुधवार को मनाया जाएगा। विजया एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त दिनांक 7 मार्च 2024 दोपहर 1:43 से शुरू होकर शाम 4:04 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय प्रातः 9:30 पर। एकादशी तिथि दिनांक 6 मार्च 2024 प्रातः 6:30 से प्रारंभ होकर 7 मार्च प्रातः 4:13 पर समाप्त होगा। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेतायुग में जब श्री राम अपनी वानर सेना समेत समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उनके सामने बड़ी चुनौती थी, समुद्र लांघना। इसके अलावा वानर सेना के साथ युद्ध में विजय प्राप्त करके धर्म की स्थापना करना भी प्रभु का लक्ष्य था। कहा जाता है जब समुद्र में पत्थर डालकर सेतु बनाया जा रहा था, तब ऐसा कहते हैं कि उस दौरान फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पड़ी थी। एकादशी के दिन ही श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी समेत समस्त वानर सेना ने व्रत रखा था और विधि विधान से पूजा अर्चना की थी। श्री राम और उनकी समस्त वानर सेना की भक्ति देख एकादशी माता प्रसन्न हुई और श्री राम और वानर सेना को अपने दर्शन दिए। कथानुसार एकादशी माता ने श्री राम और वानर सेना को रावण से युद्ध में विजय का आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद रावण से युद्ध आरम्भ हुआ। रावण से युद्ध में भगवान श्री राम और वानर सेना की विजय और धर्म की स्थापना हुई थी। कहा जाता है कि इसी के बाद से फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी विजय एकादशी के दिन व्रत रखकर पूजा करता है, उसे हर काम में विजय प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, लेकिन अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने भगवान श्री विष्णु के निमित्त इस व्रत को किया था। विजय की इच्छा रखने वाला मनुष्य इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन सकता है। श्री ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से नारद जी से कहा था कि जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि विजय एकादशी के शुभ दिन आपको एकादशी माता और श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो।